खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। आचार संहिता लागू होने के बाद बीएसपी के पूर्व विधायक को मंत्रालय में कमलनाथ द्वारा कांग्रेस में शामिल कराए जाने को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुणावत ने चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री कमलनाथ की शिकायत की है। दरअसल 14 मार्च बीएसपी के दिमनी से पूर्व विधायक बलवीर सिंह ढंडोतिया को कांग्रेस में शामिल कराया था। ढंडोतिया की ज्वाइनिंग मंत्रालय के पांचवे पर कराई गई। खुद डंडोथिया ने इस एक वीडियो में इसका जिक्र किया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ही बीजेपी ने कमलनाथ पर मंत्रालय का और पद को शक्तियों का गैर कानून इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के मुताबिक कमलनाथ का यह कृत्य मुख्यमंत्री पद की शक्तियों और शासकीय कार्यालय यानी मंत्रालय का दुरुपयोग है। इसके साथ ही बीजेपी ने इसे देश भर में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया है। आचार संहिता लिखी, चुनावी आचार संहिता लिखी, शांत रहो। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मोबाइल नहीं चलाया सर, कोई दिक्कत नहीं। वल्लभ भवन को, सचिवालय को बिल्कुल कांग्रेस का कार्यालय बना दिया, वहीं से बैठकर वो चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं पर बिठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी और सरकारी भवन में बैठकर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवा रहे हैं। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्रालय में बैठकर अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। 10 मार्च से मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पार्टी के चुनाव संबंधी बैठकें मंत्रालय में हो रही हैं। अभी बीएसपी के पूर्व विधायक चला रहे हैं डंडोतिया को उन्होंने सेक्रेटरिएट में बुलाया और वहीं पर उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इसका प्रमाण हमने माननीय निर्वाचन आयोग को दिया है और हमने उनसे एक छोटा सा वीडियो भी दिया जिसमें वो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि हाँ, मुझे मंत्रालय में बुलाया, मंत्रालय में बुला के मेरा सम्मान किया और सम्मान किया करने के बाद हम सब 70 लोगों को हमने वहीं पर शपथ ली कांग्रेस की।